दिल्ली में कोरोना के केस तो तेज़ी से बढ़ ही रहे हैं, आप सब जानते हैं, और लगातार 25,000 पर डे का आंकड़ा अब आगे बढ़ चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे 25-26,000 तक बढ़ गए, 28,000-30,000 तक हो जाएगा ये आंकड़ा। मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि दिल्ली सरकार पिछले दिनों में लोगों को बेड उपलब्ध कराने में बहुत तेज़ी से काम कर रही है और बहुत सफलतापूर्वक काम कर रही है। पिछले 4-5 दिनों में मैं एक एक हॉस्पिटल में जाके आया हूँ, मैं खुद अंदर जाके पेशेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, उनके अटेंडेंट के साथ बातचीत करके आया हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि 3 अप्रैल को अगर आप देखें, करीब 20 दिन पहले हमारे पास 6,071 बेड थे, 6071 बेड्स थे पहले, 6,071, और आज हमारे पास में इस वक्त 19,101 बेड हैं, यानी कि करीब करीब 2 हफ्ते के समय में, 2-2.5 हफ्ते के समय में 3 गुना से ज़्यादा बेड बढ़ा दिए गए हैं। 19,000 बेड्स इस वक्त दिल्ली में उपलब्ध हैं, दिल्ली में हैं जिन पे पेशेंट्स हैं, इसमें से 2,500 बेड्स अभी भी वैकेंट हैं। तो बहुत तेज़ी से वॉर फुटिंग पर बेड्स की संख्या बढ़ाई है दिल्ली सरकार ने, और इतनी तेज़ी से कहीं संभव नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी सारे रिसोर्सेज लगा के, सारी मैन पावर लगा के, पूरे जितने भी हमारे पास में रिसोर्सेज थे उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए हमने 3 गुना बेड्स कर दिए हैं, 6,071 से बढ़ा के 19,101 बेड हो गए हैं केवल 2-2.5 हफ्ते के अंदर अंदर। अभी मैं पिछले दिनों सीएम साहब के आदेश पर लगातार एक एक हॉस्पिटल में गया हूँ, सीएम साहब की निगरानी में डिस्कशन हुआ है, और वहाँ भी उनकी कैपेसिटी को हमने जितना हो सकता है उतना बढ़ा के यूज़ करने का डिसीजन लिया है। इसमें बुराड़ी जो हॉस्पिटल है हमारा, वहाँ अभी 320 बेड हैं, इसको हम बढ़ा के 800 बेड का कर रहे हैं, 480 बेड यहाँ पे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से जो हमारा अंबेडकर नगर का हॉस्पिटल था जिसमें मैं गया था, वहाँ 200 बेड हैं, उसको हम बढ़ा के 600 बेड वहाँ पे कर रहे हैं। अभी DDU हॉस्पिटल है, वहाँ पर 250 बेड हैं अभी, उनको हम बढ़ा के 750 बेड कर रहे हैं, यहाँ पे 500 बेड बढ़ जाएंगे। आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल है, यहाँ पर 150 बेड हैं अभी, इनको बढ़ा के हम 400 बेड कर रहे हैं, यहाँ पे 250 बेड बढ़ जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र नरेला में हॉस्पिटल है, यहाँ पर 200 बेड हैं हमारे पास, हम इसको 400 बेड कर रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ भी 200 बेड बढ़ जाएंगे। LNJP में 1,500 बेड्स हैं, वो सब फुल हैं इस समय, लेकिन हमने इनके साथ अब फैसिलिटीज़ जोड़ी हैं, अपने एक स्कूल में 125 बेड लगाए हैं और कॉमनवेल्थ सेंटर में 500 बेड लगाए हैं, इन्होंने ऑपरेशन में काम करना शुरू कर दिया है, फंक्शनल हो गए हैं ये। इस तरह से यहाँ भी 1,500 से बेड, अब यहाँ भी ज़्यादा पेशेंट्स देखे जा सकते हैं। DRDO का जो सेंटर केंद्र सरकार के सहयोग से, DRDO के सहयोग से बना है, उसमें 250 बेड्स कल एक ही दिन में भर गए, 4 घंटे के अंदर अंदर 250 बेड्स फुल हो गए, उसके भी 250 बेड्स और मिलने वाले हैं अभी। तो इस तरह से देखें तो हमारे पास में करीब 2,700 बेड्स, करीब 2,700 बेड्स और जुड़ने वाले हैं कुछ दिन में, अगले 4-5 दिन में, 6 दिन में मैक्सिमम 2,700 बेड्स की कैपेसिटी और बढ़ा देंगे। तो 6,000 से बढ़ा के अभी हमने 19,000 की है, और 19,000 में अभी ये 2,700 बेड्स और जुड़ जाएंगे, करीब 2,500 बेड्स इस समय भी दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में खाली हैं। आप ऐप पे देख लें, ऐप पे पूरी जानकारी है किस हॉस्पिटल में बेड खाली है। एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पैनिक में ना आए, एकदम कोरोना होते ही हॉस्पिटल ना भागें। कोरोना का सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा लोग जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं वो होम आइसोलेशन में हो रहे हैं, होम आइसोलेशन में ही रहें। अगर किसी कारणवश बुखार नहीं उतरता है, बुखार ज़्यादा आ रहा है, या कोई और सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और आपको खांसी या उस तरह की चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं, शिकायत बढ़ रही है, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, आपको बेड मिल सकता है। आप ऐप पे जाएं, जिस हॉस्पिटल में आपको बेड है उसी में जाएं,
इधर उधर ना भागें, वरना इधर उधर भागने में आपकी भी एनर्जी जाती है और हॉस्पिटल्स के आगे भी अन्यथा लाइन लगती है, हॉस्पिटल्स के आगे भी अन्यथा प्रेशर बनता है। तो जिस हॉस्पिटल में आपके लिए बेड उपलब्ध है, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं कि कोई भी हॉस्पिटल अगर ऐप पर ठीक जानकारी नहीं देगा, यानी कि अगर बेड उपलब्ध हैं और एडमिशन नहीं देगा, या वो बाद में कहेगा मेरे पास गलत जानकारी हमने उपलब्ध कराई हुई थी और एडमिशन नहीं दे सकते, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दो हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई पहले भी कर चुके हैं। फिर से कहना चाहूँगा, पैनिक ना करें। एक और चीज़ जो मैंने नोट की है, मैं हॉस्पिटल्स में गया हूँ, पेशेंट से भी मिला हूँ और अटेंडेंट से भी मिला हूँ जो बाहर खड़े हुए हैं, कोविड के समय में सारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान पे खेल के मेहनत कर रहे हैं। वो किसी भी कीमत पे आपकी जान बचाना चाहते हैं, भले ही उनको कोरोना हो जाए, पूरा का पूरा मेडिकल स्टाफ इस पे लगा हुआ है। मैं जब हॉस्पिटल में जाता हूँ तो नीचे खड़े हुए अटेंडेंट को सबसे ज़्यादा इससे शिकायत मिलती है कि साहब कई दिन हो गए हमारे पेशेंट को डॉक्टर ने नहीं देखा। मैं जब जाके उसी पेशेंट से हॉस्पिटल के अंदर मिलता हूँ, वो भी कहते हैं कि हाँ जी डॉक्टर नहीं आए। जब डॉक्टर मेरे साथ पीपी किट में खड़े होते हैं और मैं खुद पीपी किट पहन के खड़ा होता हूं हॉस्पिटल में, तो मैं पूछता हूं ये डॉक्टर साहब हैं, ये आए थे आपके पास? वो आदमी कहता है हाँ जी ये तो सुबह आए थे। अब क्योंकि पीपी किट में डॉक्टर की पहचान नहीं होती, पेशेंट को लगता है कि जो व्यक्ति मेरे पास देखने आ रहा है, और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह से मुझे अटेंडेंट से शिकायत मिल रही है कि साहब हमारे हॉस्पिटल में हमारा पेशेंट भर्ती है और डॉक्टर ने उसको देखा नहीं है। पीपी किट में डॉक्टर की ऐसे पहचान नहीं हो सकती है, और आपसे आके बात करके आपसे कंसल्ट करके चला गया। आमतौर पे पेशेंट को लगता है कि ये कोई जनरल अटेंडेंट होगा, जनरल ड्यूटी असिस्टेंस होगा, वो आके मेरे से हालचाल पूछ के चला गया है। डॉक्टर आके पूरी दवाई लिख के जाते हैं, बता के जाते हैं, चेक करके जाते हैं, रिपोर्ट करके जाते हैं, उनको पेशेंट को कई बार समझ नहीं आता। नॉर्मल केस में अटेंडेंट साथ में होता है, अगर नॉन कोविड केस होता था, नॉन कोविड पीरियड में अटेंडेंट साथ में होता है तो अटेंडेंट और पेशेंट को मिलके पता चल जाता था कि भाई डॉक्टर आ गए हैं। अभी डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर राउंड ले रहे हैं अंदर, वो पेशेंट्स को देख भी रहे हैं, लेकिन पीपीई किट में होने के नाते आपको पता नहीं चल पा रहा कि वो डॉक्टर थे। इसलिए ये इमेज हॉस्पिटल के बारे में ना बनाए, इस पैनिक में ना आए कि मुझे डॉक्टर्स ने नहीं देखा। हम सब मिलके, जैसा मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हम सब मिलके कोरोना से लड़ेंगे। सबने लॉकडाउन लगाया है, लॉकडाउन का फॉलो करें और पैनिक ना करें। सरकार ने जैसा मैंने कहा 6000 बेड्स को बढ़ा के 19000 कर दिया है, और अभी 2700 बेड्स अगले हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में और जुड़ जाएंगे। यही मुझे आपके सामने रखना था। थैंक यू।